आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जांजगीर जिले की विशेष अदालत ने पूर्व सीएमएचओ को 7 साल की सजा के साथ 10 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। साल 2012 में एसीबी ने कार्रवाई करके सीएमएचओ आरएल ग्रतलहरे के पास से करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया था। पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला चल रहा था। कोर्ट ने कारावास और जुर्माना लगाने के साथ ही उनकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उनकी 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। और विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी को यह सजा सुनाई है। जिले के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामलाल भीत लहरे के विरुद्ध में शिकायत प्राप्त हुआ था। शिकायत करने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर एवं बिलासपुर टीम ने जांच किया था। जांच पश्चात आरोपी रामलाल के विरुद्ध में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। संपूर्ण योजना के पश्चात माननीय सुरेश जून साहब ने पाया कि अभियुक्त रामलाल भीत लहरे के द्वारा अपनी वैध आय से 100% अवैध आय प्राप्त होना सिद्ध पाया गया, जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 7 वर्ष की सजा एवं 10 लाख रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया है। साथ ही माननीय सत्र माननीय न्यायालय द्वारा 1,04,461,335 रुपये के अवैध संपत्ति को राजसात करने का भी आदेश पारित किया।